सरकार ना भी पंजाब कोई चीज है नहीं जी। पंजाब दे विच हर जगह से बदअमनी फैली हुई है, हर जगह दे उत्ते पंजाब दे डाके बज रहे ने। यही धर्मसोती यही श्री जाखड़ जी यही मंत्री सी बादल कहने होंगे सके कि असी पाई पाई का हिसाब लवेंगे, पंजाब के बच्चों का वजीफा दोबारा दवावे। हम उस तरीके उसे तर्क के उस स्टाइल के जिमें अकाली दल पंजाब दुर्गा होता उसे तर्क के उत्ते राजा साहब के कन्ना से जून खर्च नहीं, वो अपने प्राइवेट हाउस के बह के ऐसो आराम करवा रहे हैं। लोग परजा दुखी आ परजा के तो कोई ध्यान नहीं, उनका ध्यान है सिर्फ रुट से। भाई मैंने एक गल समझ आती कि कोरोना एक इस गल पूछ के आता कि रात को आऊंगा दिन च नहीं आऊंगा, दिन च लोगों की भीड़ा लगी और रात में होते नहीं सड़कों से, सड़क तो वैसे ही खाली होंगे रात। हम पंजाब के लोग तो बड़े जल्दी सस्ते से सौ जाते रहेंगे और लेट उठते सस्ते उठते रहेंगे। महंगे पैसे दे के जेब चंद्र एसी वाले कमरे सौंदा होंदा सी, एसी लग्या होंदा सी, मैं सौंदा होंदा सीगा, टीवी लग्या होंदा सीगा, पर रात नूं मैनूं सारा कुछ जो होटल च फाइव स्टार थ्री स्टार पहुंचता से मैंने पहुंचता सीगा। ये तो हालात ने जी बने पंजाब के चाहे जिला ने चाहे आम पुलिस आम लोगों के लिए उन्होंने लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए पहुंच नहीं जिन्होंने सरकार द्वारा कोई पूछता नहीं जिन्होंने पता नहीं, ये सारा कुछ उन्होंने लिया। मैं हैरान हैगा कि एडिशनल चीफ सैकटरी की रिपोर्ट आ जी कृपा शंकर जी की रिपोर्ट आ स्पष्ट कह रही है कि मिनिस्टर साहब ने घपला किया गा, तो फिर सीएम साहब कह रहे नहीं नहीं जी मैं तो तुहाडे यकीन नहीं है मैं तो चीफ सैकटरी तो कराऊंगा। यह मतलब की आ कैप्टन साहब ने कुछ जे व्यक्ति ने कुछ जे आई एस अफसर ने उन्होंने यकीन हैगा जे उन्होंने लॉबी के ने जे उन्होंने फेवर कर रहे उन्होंने यकीन है, जो दूजे ने गे उन्होंने तो उन्होंने कुछ यकीन नहीं है। हमेशा चोर जिहड़ा हुंदा भजदा हुंदा, हमेशा जिहड़ा दोषी हुंदा कहिंदा नहीं मैं पाक साफ हाँ, दोषी कहते मानता हुंदा गा क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करते। चीमा साहब स्वागत है जी, तुहाडा बहुत 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 शुक्रिया जी, धन्यवाद। चीमा साहब किस तरह के नाल देख रहे हो कि पंजाब सरकार दे वख-वख जिन्ने भी विभाग ने सारिआं दी कारगुजारी बहुत निचले लैवल ते तक पहुँच गई है, चाहे वह जिवें कह लिए कि स्कॉलरशिप घपले दे विच भी जो विभाग है वह किवें हेठले पद्धर ते आया, ते जेल विभाग जिसनों कि जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा बार बार कह रहे सी कि असी पंजाब दीआं जेलां बहुत वधिया करतीआं, कैदियों के लिए जिहड़ियां सहूलतां ने सेवावां ने वह पंजाब दीआं जेलां दे विच पूरे देश भर दे विचों सब तो वधिया ने, ते फिर NCRB दी रिपोर्ट आ जांदी है जिहदे विच पंजाब दीआं जेलां दा बदतर हालात बयान कीता जांदा है, ते माड़े हालातों के कारण पंजाब दीआं जेलां UP तो बाद दूसरे नंबर पर आ जांदी है। चीमा साहब की कहना चाहोगे कि सारे ही जिहड़े विभाग ने पंजाब सरकार दे मंत्री मंडल दे की हुण यही उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के नाल हेठले लैवल ते पहुंचते रहेंगे? देखो अज पंजाब का जिहड़ा सरकारी तंत्र टोटल कलैप्स कर गया, सरकार ना भी पंजाब कोई चीज है नहीं जी। पंजाब दे विच हर जगह से बदअमनी फैली हुई है, हर जगह के उत्ते पंजाब दे डाके बज रहे ने, चुने हुए नुमाइंदे लोगों नूं लुट रहे ने गे, चाहे वह मंत्री ने चाहे वह विधायक ने गे, सब के मामले सामने आ रहे हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह जी हरेक मामले में सिट बढ़ा देने बाद क्लीन चिट लै लेंगे ने गे, यही काम 2018 तो पहला अकाली दल BJP वाले ने खड़िया होया सीगा, उन्होंने पंजाब की तबाही मचाई थी, इन्होंने पंजाब की इन्होंने भी तबाही मचाई हुई है। हर एक मामले से हर एक मामले से तुम देखो कि किस तरह गरीब लोग किस तरह बच्चे किस तरह दलित लोगों के बच्चों का वजीफा है लोग खा के, पहला 1200 करोड़ रुपए का कमरिया दोष अकाली दल BJP से लग्या और उस समय बड़िया बड़िया बाहां चाढ़ के यही सीएम साहब यही धर्मसोत जी यही श्री जाखड़ जी यही मनप्रीत सिंह बादल कहते होंगे सके कि असी पाई पाई का हिसाब लवेंगे, पंजाब के बच्चों का वजीफा दोबारा दवावे। हम उस तरीके उस तर्क के उस स्टाइल के जिमें अकाली दल पंजाब दुर्गा होता उस तर्क के उत्ते शुरू किया होगा। पंजाब तबाही है इस तरह लग रही जिम्मे डाकू दिन दिहाड़े लोगों लुटते ने, उस सरकार लोगों लुट रही है जी। लेकिन थां थां बजारे हो रहे हैं, थां थां के लोग धरने ला रहे हैं, राजा साहब के कन्ना से जून खर्च भी वो अपने प्राइवेट हाउस के बह के ऐसो आराम करवा रहे हैं। लोग परजा दुखी आ परजा के तो कोई ध्यान नहीं, उनका ध्यान है सिर्फ रुट से, कर्फ्यू रात का लाता, लॉकडाउन वीकेंड से करता,
ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਨ ਚ ਨੀ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਨ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਸਵਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਸਵਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਮੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੀ ਮਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾ ਮਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾ ਮਰਨਗੇ। ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸੀ, ਵਿਗਾੜ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੁੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲਸੀਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਹੈਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ ਚੰਦਰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਟਲ ਚ 5 ਸਟਾਰ 3 ਸਟਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਪੁਲਿਸ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏ, ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਹਾਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛਾਉ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੱਕ ਤੋੜ ਦੋ। ਅੱਜ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਡਰੱਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ 117 ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 117 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੇਸ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨੀ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਸਟੇਟ ਕੰਪਲਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪਣੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਸਟੇਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਰਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ
चीफ सैकटरी तो कराऊंगा। यह मतलब की आ कैप्टन साहब कुछ जे व्यक्ति ने गे कुछ जे आई एस अफसर ने उन्होंने यकीन है जेडे उन्होंने लॉबी ने जे उन्होंने फेवर कर रहे उन्होंने यकीन है जो दूजे ने गे उन्होंने तेन कोई यकीन नहीं है। सो पंजाब का सीएम किस तरह के ऑर्डर कर रहा है समझ तो बाहर आ जी जी डिमांड आ जी लोगों की डिमांड आ पंजाब की पब्लिक की डिमांड आ पंजाब के दलित लोगों की डिमांड आ पंजाब के गरीब लोगों की डिमांड आ कि मामला सीबीआई को सौंप दो सीबीआई के उत्ते जरा हाईकोर्ट निगरानी ने जज सौंप ला दो हाईकोर्ट का जरा मौजूदा जज निगरानी कर ला क्यों भजते हैं क्यों भजते हैं। हमेशा चोर जरा हों भजदा हों हमेशा जरा दोषी हों कहना नहीं मैं पाक साफ हाँ दोषी कहते मानता हों क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करते क्यों यह दलित लोगों धोखा कर रहे पहला किसान मारते किसान आत्महत्या कर लग गया इंडस्ट्री पंजाब में छड़ के चलेगी पंजाब से व्यापारी कोई आने तैयार नहीं है पंजाब का जोड़ा है अपने मुलाजम ने धरने से बैठे ने पंजाब का नौजवान यूथ है वो पंजाब में छड़ के बाहरले देशों में तुर गया। सो पंजाब रह की गया 2.5 लाख करोड़ का कर्जा जो पिछले सैशन तक से 12,130 करोड़ का और कर्जा ले लिया जिहड़ा 12,130 करोड़ का कर्जा लिया इन्हें पंजाब की किसानी पंजाब के दलित पंजाब के व्यापारी पंजाब की इंडस्ट्री को भारी सट मारी आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस ने गियां कि जेकर तुसी 3% तो वध लोन लेना गा तो थानू 2% जे होर लोन लेना गा तो थानू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शर्तां मननियां पैणगियां। वो शर्तां की ने गियां कि 2% लोन दे विच थानू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शर्तां कि सबसिडी खत्म करनी पो जी किसानों को मिलती है कि उगलाने बीज बिल लाने पैणगे तुहानू जिहड़े दलितां नू 200 यूनिट मिलता सबसिडी खत्म करनी पैनी है जिहड़ी इंडस्ट्री नू 2-3 रुपए यूनिट सस्ता मिलता वो बंद करना पैणा गा यह सारा कोई बंद करना पैणा। और पंजाब सरकार ने अपने ही कैबिनेट च फैसला किया अपनी कैबिनेट च फैसला किया कि जे ये पाबंदियां जिहड़ियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रहा सी विरोध करदे आ असीं लोन नहीं देवांगे जी जी। कुलवीर जी धर्मेश राणा सानू कहते जी नहीं जी इतने कोरोना कोरोना आजूगा तुम बाहर बैठो साड़ी आवाज बंद करती पर अंदर चोरी जिहड़ा हैगा पंजाब के लोगों ने धोखा किया फराड किया वो एक्ट पास कर लिया 12,130 करोड़ का लोन ले लिया उन्हें पाबंदियां मननिया पैनगियां पंजाब को जो कुछ मर्जी मुख्यमंत्री कही जान जो कुछ राष्ट्रीय वित्त मंत्री कही जान झूठ बोलते हो बिल्कुल कोरा मेरा चिट्ठा झूठा उन्हों का वित्त मंत्री का पूरा झूठा पूरे पंजाब के सीएम का झूठा ये पाबंदी ये जिहड़ियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन रहेंगियां पंजाब को सहनिया पैनगियां इन्हों ने पंजाब को बिल्कुल इस तरह लग रहा कि हुण जाते जाते सोच रहे हैं भी हुण सारी जाना गा लुट दिए ते पंजाब के किसानों भी मार दिए दलतों भी मार दिए पहला दलतों के बच्चे मारते ये लगातार जुल्म ये जालम सरकार आ जालम सरकार तो लोगों को खड़े होके लोग सिर्फ इस गल करके डरते रहे कि कोरोना महामारी हुई आ नहीं हुण तक क्यों ना लोग किसी भजा दे पंजाब से कुट कुट के बाहर कढ़ दे ये हालात बने हुए ने ग्राउंड से उतर के देखो किन्ने लोगों के भयानक हालात बने हुए ने ये तो अपने शाही महलों च रहिंदे नेगे इन्हां नूं की पंजाब के लोगों का दर्द आ। अच्छा चीमा साहब कुलवीर जीरा ते निर्मलशीत राणा की गल भी हुई है तुसीं मंग भी की सी स्पीकर तो की कार्रवाई होनी चाहिए आ लेकिन फिर उही गल है कि कोई कार्रवाई नहीं देखो अपने कार्रवाई थोड़ी करते हैं ये तो बगानिया से कार्रवाई करते हैं जेकर कोई किसान चार जथेबंदियां इकट्ठिया होकर धरना लाउंदियां ने ऑर्डिनेंस का विरोध करते उन्होंने परचा होएगा जे आम आदमी पार्टी का धरना लाते तो उन्होंने परचा होएगा। बस दो बंदियां नूं तीन जिहड़ियां पार्टियां ने अकाली दल बीजेपी ते कांग्रेस नूं सोट आ वो जो कुछ मर्जी कर उन्हां नूं कोरोना नाल चिमड़दा हैगा उन्हां ते कोई कोरोना का कानून नहीं लागू होंदा हैगा। तां कल बलबीर सिंह सिद्धू जी फिरदे सी बहुत वड्डा भारी इकट्ठ लई इन्हां ते कोरोना लागू नहीं होंदा हैगा जे असीं जाणदे आ सानू मता दिंदे ने गे आप किड्डे गैर रिस्पोंसिबल बंदे ने गे किड्डी वड्डी माड़ी ते भैड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट जारी कीती आ पंजाब दे विच कहिंदे 15 तरीक तक कोरोना इन्ना आजूगा 18 तरीक तक इन्ने बंदे मर जाणगे 20 तरीक तक इन्ने बंदे मर जाणगे पूरा पंजाब दहशत का माहौल बनाता पूरे पंजाब में जिहड़ा हैगा टैरर फैलिया होयागा लोग डर के लोग जिहड़ा हैगा सेहत विभाग के कामे जिहड़े उन्हां नूं घरों भजा पिंडां चों भजा रहे ने बाइकट हो रहे ने गे ते सारे चाहे देण पंजाब दा मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह आ उहदा दी जिहड़ी मानसिकता की आ उहदी चाहुंदे कि पंजाब दा किहदा इलाज होवे तां जमदूत की तरह मौतों के अंकड़े गिना रहे तो कहते इन्ने मर जाएंगे जी इन्ने मर जाएंगे जी भाई तुम यह दसो भी इन्ने का प्रबंध है यह दसो भी साढ़े को 2 लाख बंदे का प्रबंध आ साढ़े को इन्ने वेंटीलेटर ने गे साढ़े को इन्ने डॉक्टर ने नर्सा ने स्टाफ आ यह दसो तुम तो डराने लग गए लोगों को सो लोग डरते मारे जो है अपना अफसर का बाइकट कर लग गए जी जी। शुक्रिया जी
हरपाल सिंह चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी समा देने दे लई। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबस्क्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।